हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी टेक्निकल चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वीवो Z1 Pro जो कि भारत में लॉन्च हो चुका है, फ्लिपकार्ट पे 11 जुलाई को 8 बजे रात में ये फ़ोन ऑर्डर हुआ था और आज 14 जुलाई है तो ये फ़ोन आ चुका है। तो चलिए इस बॉक्स को हम आज करेंगे अनबॉक्स, देखेंगे कैसा है ये वीवो Z1 Pro का फ़ोन। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वीवो का Z1 Pro फ़ोन। तो चलिए इस बॉक्स को हम कर लेते हैं अनबॉक्स। इसको धीरे से ऊपर उठाते हैं और ये अपने आप ओपन हो जाता है। तो चलिए इसे निकालते हैं बाहर। इसके अंदर मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्ट केस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह का केस वीवो ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट केस मिला है जो मोबाइल के प्रोटेक्शन के में काम आ सकता है। तो और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है फ़ोन के बारे में। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल कैमरा है और रियल कैमरा 16+8+2 मेगापिक्सल है। तो चलिए अब इसको थोड़ा साइड में रख के मेन कंटेंट को देखते हैं कि और इस बॉक्स के अंदर क्या हमें मिलता है। ये है हमारा मेन कंटेंट। चलिए अभी इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलता है 18 वॉट का फास्ट चार्जर जो कि बहुत अच्छी बात है। ये चार्जर 60 मिनट में 65% बैटरी आपकी चार्ज कर देगा। और इसके अंदर हमें USB केबल मिल जाती है। तो चलिए इसको भी साइड में रख देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात होने वाली है कि वीवो ने यहाँ पे दिया है ईयरफोन्स जो कि मुझे काफ़ी बेहद पसंद आए। तो चलिए अब इस वीवो को देखने में तो लग रहा है कि हाँ, अच्छे क्वालिटी का ईयरफोन से ने दिया है। इसे साइड में रख देते हैं। अब चलिए बात करते हैं मेन कंटेंट हमारे फ़ोन के बारे में। तो चलिए इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप उतार देते हैं। फ़ोन का ये फ्रंट लुक है और ये बैक लुक, तो काफ़ी अच्छे कलर हैं। ब्लू कलर मुझे बेहद पसंद है, ब्लू, इसीलिए हमने ब्लू ऑर्डर किया था। और बाकी फ्लिपकार्ट पे सोनिक ब्लैक और ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, आप अपने अनुसार इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं क्या है, फीचर्स है इस वीवो Z1 Pro मोबाइल में। ये हमने स्टार्टिंग लेवल का फ़ोन ऑर्डर किया था जो कि 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ अवेलेबल है। और इसकी मार्केट फ्लिपकार्ट प्राइस है 14,990 रुपीज़, और जो कि 6 GB और 64 GB के साथ आता है उसकी प्राइस 17,000 समथिंग है। और जो 6 GB और 128 GB रोम के साथ आता है उसकी प्राइस 18,000 है। तो चलिए फटाफट इसके बैक कवर को लगा देते हैं फ़ोन पे ताकि फ़ोन की आयु सीमा इसी तरह बरकरार रहे। और अब इसको हम फटाफट सेटअप करके ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मोबाइल का सेटअप कंप्लीट हो चुका है और डिस्प्ले ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे का एक लुक कि कैसा ये कैमरा है। तो चलिए अब हम इसमें से एक सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। तो फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है और ये हमने एक सेल्फी क्लिक किया। तो चलिए देखते हैं क्या क्वालिटी रहे। तो ये मैंने कुछ सेल्फी शेयर की है तो जिसे देख के आप इसके कैमरे के बिल्ड क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत फ़ोटो ली है कैमरे ने और यहाँ पे पोर्ट्रेट बैक कैमरे का पिक है ये, तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ फ्रंट कैमरे का यूज़ करते हुए पोर्ट्रेट फ़ोटो है तो देख सकते हैं आप, ब्लर काफ़ी अच्छे से किया है, कोई शिकायत नहीं है। वीवो वाकई में कैमरे के मामले में बहुत आगे रहता है
कैमरे को फोकस करके ही फ़ोन को बिल्ड करता है, तो यहाँ पे हमें हर जगह से कैमरे में कोई शिकायत नहीं मिलती है। और ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन एक वाकई में बहुत अच्छा फ़ोन है, बस थोड़ा सा हैवी वेट है तो जिसे इग्नोर किया जा सकता है, बाकी पूरी परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन हमें 712 मिल जाते हैं और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विथ ईयरफोन फास्ट चार्जर के साथ में, आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फुल्ली लोडेड फ़ोन है, यहाँ पे सारे चीज़ बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप इस फ़ोन के तरफ जा रहे हैं तो आप वाकई जा सकते हैं, कोई शक नहीं है, वीवो ने कमाल कर दिखाया इस बार। तो मुझे ये फ़ोन वाकई में बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग बताइए वीडियो देखने के बाद कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, क्या राय है इसके बारे में, कमेंट में ज़रूर लिखिए।